उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आपको बता दें कि बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रुड़की के पास करीब 20 गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो बाढ़ को देखते हुए लगातार नजरें बनाए हुए हैं। से इसमें तटबंध में क्या समीप कटाव शुरू हुआ था, तब से हम इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन गंगा नदी ने अपना इस बार जो ये जाने का रास्ता ही परिवर्तित किया है, इस कारण इसमें तटबंध में कटान शुरू हुआ है। अभी फिलहाल कटान नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई। हम लोग टूट सकता तटबंध, अब हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंचाई विभाग के लोग लगे हैं, पुलिस प्रशासन की टीमें हैं, बड़े बोल्डर मंगवा के इसमें डाले जा रहे हैं। जो भी हम इसको सुरक्षित करने के लिए उपाय कर सकते हैं, हम कल से ही कर रहे हैं। और बाकी चीज़ के लिए भी टीमें सतर्क हैं, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्षेत्र में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं बागेश्वर में भी भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है, जिससे सभी नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों के पास न जाएं। भारी बारिश हो रही है, गर्मी का स्तर जो है बढ़ गया है, तो सोमवार होने की वजह से लोग स्नान भी करते हैं। हम लोग एकदम से न जाएं, ताकि कोई अपनी घटना से बच सके। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण गंगा समेत कई नदियां अपने उफान पर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत और बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।